अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। रूपा जी, ग्वार गम ग्वार सीड में हमने कल के कारोबारी सत्र में बढ़त बनते हुए देखी थी, जैसे आज की बात करें तो आज ग्वार गम का अप्रैल वायदा 12,000 के आसपास ही है, हल्की सी करेक्शन है ऊपरी स्तरों से। वहीं ग्वार सीड भी 6400 के बाद हल्की सी करेक्शन दिखा रहा है, 6300 के लेवल्स पर है। रूपा जी, देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन बहुत ही कम है, अभी भी जो कीमतें हैं ऊपरी तरफ हैं। आपको क्या लगता है, क्या ग्वार गम ग्वार सीड में यहाँ से आज इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और गहराएगी या फिर यहाँ से रिकवरी देखने के बाद कीमतें और तेजी की ओर जाएंगी? देखिए अखिलेश, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ग्वार में 12,000 तक का अपसाइड एक बार बन सकता है और वही लेवल जब हमने आते हुए देखे हैं। लगातार मैंने बोला है कि ग्वार के अंदर आप बाइंग में रहिए और 12,000 के ऊपर अगर अब सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर एक और अपसाइड मोमेंटम तेजी की बनती हुई दिखाई दे सकती है और सीड जो है वो 6500 तक ऊपर जा सकता है। मुझे लगता है कि ग्वार में अभी पोटेंशियल है और ग्वार अभी आगे तेजी की तरफ ट्रेड कर सकता है और अभी 12,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी पर मुझे लगता है कि 12,800 से लेकर 13,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, मसालों में क्या लगता है आपको? मसालों में देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर एक रेंज देखने को मिल रही है, क्या मसालों में अभी आगे ऐसी कारोबार बनता रहेगा? मसालों की बात करें तो मसालों के अंदर देखिए लगातार बाजार जो है पॉजिटिव है और ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है, चाहे वो धनिया हो या फिर जीरा। अब धनिया में भी यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि 12,000 तक ऊपर की तेजी पकड़ सकता है और जीरा 22,000 ऊपर में जा सकता है और लगातार हम देख रहे हैं कि जीरा भी 21,000 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। हल्दी की बात करें तो हल्दी यहाँ से 9,000 के अभी नीचे है। हल्दी में अच्छी मुझे लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग की। अगर नीचे में 8,500 के आसपास हल्दी मिलती है तो वहां पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हल्दी में भी तेजी बन सकती है और हल्दी ऊपर में 9200 से लेकर 9800 तक की तेजी दिखा सकती है। ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव लग रहा है मसालों का। आगे चलकर मुझे लगता है कि मसालों में डिमांड निकल सकती है क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन का सिनेरियो की अगर हम बात करें तो काफी फंडामेंटल सपोर्टिव है। जीरे और धनिये का स्पेशली काफी क्रॉप डैमेज है और प्रोडक्शन कम है और डिमांड अच्छी खासी है और निर्यात मांग भी अगर तेजी पकड़ते हैं तो आगे चलकर इनमें तेजी बन सकती है। तो मसालों में खरीदारी करके चलना चाहिए। जी यहीं से रूपा जी, बात करें अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि 1% की करेक्शन देखने को मिली है। 3300 के बाद बाजार फिर से अब 3200 के दायरे में आ गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, करेक्शन और ज्यादा गहराने वाली है या फिर यहाँ से खरीदारी फिर से बन सकती है? दोनों ही कमोडिटीज में बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो तेजी आनी थी वो आ चुकी और ये तेजी अब जो बनती हुई हमने कॉटन में पीछे देखी है काफी ऊपरी लेवल है और यहाँ से कभी भी करेक्शन की तरफ जा सकता है मार्केट, तो काफी रिस्की रहेगा यहाँ पर पोजीशन होल्ड करना भी और दूसरा फ्रेश बाइंग लेना भी। तो मेरे हिसाब से इसमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना चाहिए और जिनके पास रखा है वो बिल्कुल एग्जिट ले। और जहां तक बिनौला खल की बात है मुझे लगता है कि 3,000 से लेकर 3,300 फिलहाल ये रेंज इसकी बनी रह सकती है। अगर अपसाइड आया भी तो 3,500 तक की हो सकता है कि आपको तेजी देखने को मिल जाए अगर बॉटम में उछाल आता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी और मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में बना रह सकता है। तो अभी फिलहाल यहाँ से 3,000 तक का टारगेट एक्सपेक्टेड है कि गिर सकता है मार्केट। जी ये से रूपा जी, कैसे सीड में आपको क्या लगता है, क्या कैसे सीड में अब यहाँ से बाजार थोड़ा और आगे बढ़ने की उम्मीद है या फिर जो कैसे सीड का वायदा बाजार है यहीं पे सिमट के रह जाएगा? देखिए कैस्टर में अब उम्मीद तो लेवल जो है वो लेवल से एक्सपेक्टेड थे कि 3500 तक ये देखने को मिल सकते थे, 7500 तक की तेजी बन सकती थी, लेकिन फिलहाल के लिए बाजार यही सिमट कर रहेगा और यहाँ से उठाव नहीं देखने को मिल रहा है। टेक्निकली भी मार्केट को देखे तो चार्ट के ऊपर भी अब यहाँ से ये दिखा रहा है कि 7,000 से लेकर 7,300 और 7,500 फिलहाल यही रेंज की बनती दिखाई दे रही है और अभी करेक्शन के दौरान हो सकता है कि मार्केट एक बार 7,000 के आसपास नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे और वहां से फिर सपोर्ट आया तो वापस तेजी आ सकती है। अदरवाइज 7,000 का लेवल ब्रेक किया तो नीचे में 6,800 से 6,500 के बीच स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी ये से रूपा जी, बात करें अगर
तेल तिलहन की, तो एडिबल ऑयल में देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। रूपा जी, कल के कार्रवाई सत्र में हमने देखा था कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में वार्तालाप हो रही थी और ये खबरें निकल के सामने आ रही थी कि जो युद्ध है वो रुक सकता है, उसकी वजह से हमने मार्केट में नरमी आते हुए देखी है और अभी भी आगे बातचीत अभी और जारी रह सकती है, तो ऐसे में हमने पूरे तेल तिलहन पैक में नरमी आते हुए देखी। आपको क्या लगता है, क्या फंडामेंटल सपोर्टिव होने के बावजूद जो एडिबल ऑयल पैक है और सोयाबीन है, तो क्या वो अभी ऐसी नरमी के साथ रह सकते हैं और नरमी के बाद क्या इनमें तेजी भी दर्ज की जा सकती है? देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है और अभी थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाजारों में फंडामेंटली काफी सपोर्टिव है मार्केट और आगे चलकर जैसे जैसे डिमांड पिकअप होगा और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक में अगर करेक्शन आती भी है तो उस करेक्शन में भी बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आगे चलकर तेलों में तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स के देना चाहेंगी आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है? देखिए, एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो एग्री कमोडिटीज के अंदर आज तो सभी बाजार जो है वो करेक्शन के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल आपको धनिया के अंदर बाइंग की पोजीशन अपनानी चाहिए और धनिया के साथ साथ अगर ग्वार में निचले स्तर मिलते हैं 11,800 से लेकर 11,500 की रेंज मिलती है तो ग्वार में भी शॉर्ट टर्म रैली के लिए बाइंग किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए धनिया अच्छा लग रहा है, धनिया में बाय कर सकते हैं। जी, तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कहां पे कमाई के मौके हैं और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर।